नमस्कार, मैं उस नरेश कोटर। आप अपने जेके सीएनएन न्यूज। और आज जो है वो 16 नवंबर है और आज नेशनल प्रेस डे है। और मैं सभी पत्रकार, जितने भी हमारे जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी आज के दिन पे, क्योंकि जो जितने पत्रकार की एक अहम भूमिका होती है और उनको चौथा स्तंभ भी कहा गया है। और चौथा स्तंभ जो पत्रकार होते हैं वो एक सोसाइटी की बोल्ड जो वॉइस है और वो हमेशा जो है अपनी आवाज जो है उठाते हैं लोगों के प्रति। जितने भी लोगों को कोई भी जरूरत होती है, जब कहीं कुछ होता है तो पुलिस से पहले जो है मीडिया पहुंचती है। ये कहना जो एक डायलॉग है कि पुलिस से पहले जो है मीडिया पहुंच जाती है, और मीडिया का बहुत अच्छा रोल जो है वो सोसाइटी में रहता है। और आज जो है बहुत बड़ा दिन है एक पत्रकार के लिए, एक पत्रकारिता के लिए, क्योंकि आज के दिन पत्रकार को जो है वो सम्मानित किया जाता है और पत्रकार का आज दिन मनाया जाता है। और इसी तरह हम पत्रकारों से बात करेंगे और महिला पत्रकार खासकर, क्योंकि जो है वो पुरुष तो हमें देखने को मिलते हैं पत्रकारिता करते हुए, लेकिन महिलाएं को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, महिलाओं की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। और जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में इस चीज का नजरिया जो है वो बदल चुका है, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं लोग जो है रवांस हो चुके हैं। पत्रकार, महिला पत्रकार जो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इस पे क्या कुछ कठिनाइयां उनको सहनी पड़ती है, उनकी किस तरह से जर्नी जो होती है, आज महिला पत्रकार से जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रश्मि शर्मा जी, जो सीनियर महिलाएं पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे उनकी किस तरह से जर्नी रही और किस तरह से वो अपना काम करते हैं और महिला को इस पत्रकारिता करने में कितनी मुश्किलें आती हैं और किस तरह से ये करते हैं, उनसे जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, आज की हार्दिक बधाई देते हैं, जो आज पत्रकारिता दिवस है उसके बारे में क्या कुछ कहोगे आप? धन्यवाद सोनाली, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो जितने भी हमारी मीडिया पार्टनर हैं उनको नेशनल जो कि प्रेस डे के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, तो फिलहाल अच्छा रहा। उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, बड़े कठिन चैलेंजिंग चीजें भी हमारे सामने आती हैं, पर अगर दृढ़ निश्चय हो करने का, अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आप ना किसी से डरेंगे ना किसी की आगे झुकेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हमें एथिक्स को समझना होगा कि हम जो बोल रहे हैं, अपने मुख से जो शब्द निकाल रहे हैं, उन शब्दों का प्रभाव आम जनता या हमारे समाज में किस तरह का पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे शब्दों की वजह से समाज में एक प्रयास का माहौल हो जाए, लड़ाई झगड़े का, फसाद का माहौल हो जाए, और हमें प्रशासन, सरकार और आम जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करना है, समाज में अच्छी चीजों को उभार कर सामने लाना। पर हाँ, अगर प्रशासनिक तौर पर या सरकार की कई कमियां हो, उन्हें भी सरकार को हम अपनी मीडिया के माध्यम से लाकर दिखा सकते हैं कि आम जनता इस तरह से परेशानियों से जूझ रही है। पर उससे भी एक अहम महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जब भी हम कोई खबर करते हैं, हमें उस खबर के तह तक जाकर उसकी जानकारी रखने के बाद ही उसे मीडिया में लाकर आम जनता के सामने, यहाँ के प्रशासन सरकार के सामने लाना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, हम टीआरपी की ओर में, यानी आज का अगर दौर देखा जाए तो हर कोई चाहता कि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज मैं ही दूं, हमारा चैनल ही दे, पर कई बार वो चीजें भी हम पर भारी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आम जनता का विश्वास जो है वो हम पर कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, हमें एथिक्स को बार बार, हम यही इसी पर कहेंगे, एथिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या है, क्योंकि माइक उठाकर चल पड़ना ये इट्स नॉट अ जर्नलिज्म। हमें सबसे पहले माइक उठाते समय ये चीजें सोचनी होगी कि ये एक जिम्मेदारी है, ये एक जनता का विश्वास है, ये एक ईमानदारी की ड्यूटी है, और जर्नलिज्म इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, पर उसे हम किस तरह से जनता के सामने लाते, जनता के सामने पेश करते, वो चीजें बहुत देखना जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में हमारा देखा जाए तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, एक पल में खबर इस तरह से फैलती है जैसे आपकी तरह फैलती है, तो वही चीजें जब हम इस तरह की खबरें डिजिटल मीडिया के माध्यम से डालते हैं तो वो खबरें आपकी तरह फैलती हैं, और जब आपकी तरह फैलती है कंटेंट वैसा नहीं होगा या भड़काऊ कंटेंट होगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक तो होती हैं, पर हमारे समाज के लिए बहुत घातक होती है, जिसके चलते आने वाले समय में हम भी परेशानी में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, चाहे वो किसी भी मीडिया हाउस से ताल्लुक रखता हो, जो जर्नलिज्म की लाइन में जो पल पल की खबरें जनता को घर बैठे पहुंचा रहे हैं, वो एक ड्यूटी है उनके ऊपर, तो चौथा स्तंभ कहा जाता है। पर चौथा स्तंभ क्या आज वाकई आज के दौर में मजबूत है? क्या चौथा स्तंभ वाकई अपना काम सही से कर रहा है? ये आज हम अपने से ही सवाल पूछते हैं कि वाकई हम किसी नेता की जीजूरी नहीं करें, हम वाकई किसी के दबाव में आके खबर को डिलीट नहीं करें, क्या वाकई हम किसी के कहने पे खबरें चला रहे हैं? ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सच्ची खबरें दिखाएंगे, बिना निस्वार्थ के
आम जनता की मदद करेंगे तो नेचुरली आप लोगों के दिलों में जगह तो बनाएंगे, कहीं ना कहीं आप आगे भी निकलने का प्रयास करेंगे, दूसरों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, जो वाकई बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए, अपना कोई भी प्रोफेशन हो, अपना कोई भी काम हो, ईमानदारी से करिए। ईमानदारी बहुत ही जरूरी चीज है। और चौथा स्तंभ, अगर जनता का विश्वास, चौथा यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथा स्तंभ यानी मजबूत स्तंभ होना चाहिए। ना ही किसी ब्यूरोक्रेट के, ना ही किसी नेता की हमें चाकरी करनी है, ना जी हजूरी करनी है। जब ये चीजें हम बंद कर देंगे ना सोनाली, कोई भी हमें दबाव में नहीं लाएगा, क्योंकि जब तब हम दबाव में आते तब मीडिया को दबाया जाता है। और आज ऐसे ही हालात है कि जब हम किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी ब्यूरोक्रेट की अपने टर्म्स अच्छे करने के लिए उनकी चाकरी करते हैं, उनकी गलतियों को पर्दा डालते हैं। वही बात करिए महिला पत्रकार की, महिला पत्रकार जो है वो देखने को कम मिलती है। इस फील्ड में आने के लिए लोग भी डिमोटिवेट करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करते, उनको क्या करोगे, उन फैमिली को क्या करोगे, इस सोसाइटी को क्या कहो जो महिला पत्रकार को डिमोटिवेट करते हैं। सोनाली, हम उन माता पिता से, उन महिला, उन अपनी युवतियों से जरूर कहना चाहेंगे कि काम कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, काम अच्छा ही होता है, पर जब लोगों द्वारा वो काम अच्छा किया जाएगा तो उसकी प्रशंसा ही होती है। और जो लोग इस लाइन में आने का सोच रहे हैं, सबसे पहले सोच ये सुन लीजिए कि सबसे बड़ी बात है आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको किसी की चाकरी नहीं करनी, आपको सत्य को सामने लाना है। और सोनाली, सत्य को सामने लाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग भी इस तरह की स्टोरीज कर लेते हैं, किसी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कर लेते हैं, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कर लेते हैं, किसी ऐसे गैंग के खिलाफ करते हैं, तो हमें भी दबाव आते हैं, हमें भी धमकियां आती हैं। पर वो लोग सिर्फ धमकियां देने लायक ही होते हैं, पर उनको पता है कि ये ना डरने वाले ना पीछे हटने वाले हैं, तो वो लोग खुद ही पीछे होते हैं। क्योंकि जब हम हिम्मत से, हम ईमानदारी से निडर काम करेंगे ना, तो कोई भी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई मंत्री हो, हमें दबा नहीं सकता। आपकी जो जर्नी थी, जो पत्रकारिता में जितनी जर्नी है, कि आपके साथ ऐसा कोई वाक्य पेश आया कि आपको भी दबाने की कोशिश? बिल्कुल सर, हमें तो इतना है कि कैसा इंप्रेशन सोनाली बना हुआ है, कि पता नहीं किस तरह का इंप्रेशन बना है, कोई हिम्मत नहीं करता फोन करके कहने का मैडम ये वीडियो डिलीट करो। पर हाँ, हमारी कंपनी जो हमारे चैनल के हेड है, उनको जरूर करते हैं, उनको कहते हैं, पर उनका भी हमारा सहयोग होना बड़ा जरूरी है, उनको हमारा, हमारा उनका, हम शुक्रिया करते हैं। ऐसे चैनल्स के जो ऑनर्स हैं, उनको ये चीज समझनी होगी कि हम उन्हीं के चैनल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा करेंगे तब भी उनका नाम खराब होगा, अच्छा करेंगे उनका नाम अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो ये चीजें एक तालमेल बनाकर चलना बहुत ही जरूरी होता है। और हम शुक्रिया करते हैं अपने चैनल दैनिक शिव टाइम के जो हेड है, उन्होंने कभी, उनको कॉल भी आते होंगे, वो साफ तौर पर कहते हैं जी रश्मि मैडम से जा, वो भली भांति जानती किस वीडियो को बनाना देना, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम कहीं करने जाते हैं, पहले ही चीजें क्लियर कर देनी होती है, तो हमें उनका पूरा सहयोग है। और कठिनाइयां आती, उनको भी धमकियां आती होगी, डिलीट करिए, हम ये कर देंगे, हम ये मीडिया, यानी कि मीडिया हाउसेस ही करते हैं, ये कोई और नहीं करेगा, बाहर का मीडिया हाउसेस के द्वारा ही किया जाता है, उन्हें ही दबाने की प्रयास किया जाता है। पर जनाब, हम तो कभी ना डरेंगे ना ही झुकेंगे, जब हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी की चाकरी नहीं कर रहे हैं, किसी की जी हजूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भूल ही जाइए कि हम डर कर या दुबक कर पीछे बैठ जाएंगे, आपकी खबरें डिलीट करेंगे। एक भी खबर हमारी ना कभी डिलीट होगी, ना हम सच दिखाने से पीछे हटेंगे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। जब हम ये चीजें करेंगे तो जनता का विश्वास हमेशा बना रहेगा कि वाकई कोई और बात हमारी सुने ना सुने, पर मीडिया, जो हमारी मीडिया है, वो जरूर हमारे सत्य को खोलकर सामने आम जनता, प्रशासन और सरकार तक लेकर आएगा। इन चीजों को सुनाली समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा फील्ड है, एक नोबल प्रोफेशन है, जो भी आना चाहते हैं आप आइए, पर सबसे पहले जरूरी है आपको जर्नलिज्म के एथिक्स को समझना, अपनी बाउंड्रीज को समझना। क्योंकि ये नहीं कि माइक उठाए किसी के घर में घुस गए, माइक उठाए कोई भी खबर दे दी टीआरपी की होड़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जरूरी है एथिक्स को जब आप समझेंगे, आपको खुद को खुद पता चलेगा आप कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप दूसरों की प्रेरणा बनिए। क्योंकि हम कहते हैं हमारी कोई प्रेरणा है, आप दूसरों की प्रेरणा बनिए, ताकि आप जब इस लाइन में आए तो वाकई ऐसा लगे कि ना ही आपको कोई दबा सकता है, ना ही आपको कोई डरा सकता है, ना ही आपको कोई पीछे कर सकता है। अगर आप ईमानदार होंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और जनता अपना प्यार जरूर आप पर बरसाएगी। एक सवाल और, जिस तरह से कुछ चैनल के जो हेड होते हैं वो जब रिपोर्टर रखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा जब वो केस में फंस जाते हैं, तो कुछ हेड कहते हैं कि वो हमारे रिपोर्टर ही नहीं है, बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, उससे जो रिपोर्टर होते हैं जो इस लाइन में आते हैं, तो उनका जो फ्यूचर खराब हो जाता है, उनको क्या कहूं? ऐसे चैनल को बड़ी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति आप पर भरोसा करके आपका काम कर रहा है, पल पल की खबरें, आपके चैनल के साथ आपका नाम भी आगे कर रहा है, आप ये कहते हो कल को कोई बात ही हमारा रिपोर्टर नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे चैनल को तो कभी जाना भी नहीं चाहिए। और वो चैनल थोड़ी चला रहे हैं, वो तो एक धंधा कर रहे हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। सर, केस ऐसे सामने
बिजनेस कर रहे हैं, हमारे सामने लाइए ना, हम उनको भी एक्सपोज करें, हम थोड़ी ना लिहाज करेंगे। अगर हम दूसरों की बात रखें तो अपनी मीडिया कर्मियों की क्यों नहीं बात रखेंगे। पर ये भी कहीं ना कहीं सत्य है सोनाली कि हमारी मीडिया में, खासकर के जम्मू की, अगर मीडिया में यूनिटी नहीं है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा, तभी आज मीडिया को हकारत की नजर से, नफरत की नजर के और छोटी नजर से देखा जाता है। अगर हमें यूनिटी हो ना, कोई भी किसी पर भी, हमारे मीडिया कर्मी पर आंच नहीं आए, ये याद रखना। मैं अपना व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अपने हर मीडिया कर्मी के साथ हूँ, पर अगर बनिस्बत अगर वो सही है, अपने रास्ते पर सही है, हम उसके साथ कहीं भी खड़े होने के लिए तैयार है। अगर वो गलत है तो मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करी, चाहे वो किसी भी मीडिया हाउस का हो। तो हमारा जो काम है, हमें उसको समझना है, हमें एथिक्स को समझना है, अपना काम ईमानदारी से करना, किसी से डरना नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो आज के दौर में कम सोचते हैं यहाँ के, कम पैसे हैं, चलिए लग जाइए, इसको हायर कर लें, ये कंपनीज का बात, मीडिया हाउसेस की बात करें, तो मैं कहती हूँ आप अपना टाइम क्यों ऐसी कंपनीज के लिए वेस्ट कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, अगर आप में कैलिबर है, आप में अगर पोटेंशियल है, आप पहले बात क्यों नहीं करते अपने मीडिया चैनल से कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप हमें कल को कोई बात होगा आप हमारे साथ खड़े हैं। यही तो विडंबना है। आज मीडिया काम कर रही है, जितने भी, चाहे वो पोर्टल है, चाहे वो कोई और मीडिया है, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उनके जब भी कोई परेशानी आती, कोई उनका साथ नहीं देता। इसलिए हमें अपने आप को इस कदर मजबूत बनाना है कि भगवान ना करे कल को परेशानी आए, आप खुद अपने लिए खड़े हो। एक चीज और, जब भी मीडिया जो कोई कवरेज करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ सामने थे कि उनको कोई मारते हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा पेश आता है। आपको क्या लगता है सरकार को इसके लिए क्या रूल बनाना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? तो बात कोई ऐसे आम वाली सरकार की तो बात की अलग, पहले अपने में तो यूनिटी कर ले। जो अपने आपको बड़े कहते हैं हम ये हैं, तो वो है, बड़े बड़े मीडिया कभी आप लोगों के लिए आए, कभी हमारे लिए आए खड़े हुए, कभी आपको दिक्कत आई सैलरी की, किसी को दिक्कत आई, ये अपने मीडिया कर्मियों से पूछ रही हूँ, कभी आपने जाकर किसी को बोला, आपकी कभी किसी ने सैलरी दिलवाई, किसी को सैलरी नहीं देते। कई ऐसे मीडिया हाउसेज भी हैं जो बेचारे पत्रकार दिन रात काम करते हैं, युवा युवतियाँ, उनको सैलरी नहीं देते हैं और उसके बाद उनको निकाल देते हैं, और उसके बाद कई कई महीने उनको सैलरी के लिए उनको ऐसे भीख मांगनी पड़ती है। शर्म आती है जनाब ऐसे लोगों की। या तो आप मीडिया हाउसेज बंद कर दी, कोई दुकान खोली, क्योंकि ये नहीं चलेगा। अब अवेयर होना पड़ेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को हमें समझना होगा, मीडिया कर्मियों को खास करके। अगर आप घर से निकले हैं, ईमानदारी से निकले, अगर आप में पोटेंशियल है, काबिलियत है, क्योंकि हर कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता है, फील्ड में जब आएंगे उतरेंगे तभी आप सीखेंगे। तो आप एक दृढ़ निश्चय, आज के बाद जो भी इस लाइन में आना चाहती है, सबसे पहले आपको चाहिए ईमानदारी। आपको चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहना है, किसी की जी हजूरी करने से दूर रहना। जब ये चीजों को, एथिक्स को समझेंगे, गरीबों की आवाज को सामने लाना, आपके सामने चाहे कोई भी हो, आप कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, आपको ये भेदभाव नहीं करना है, आपको उसकी आवाज को लाना है तो लाना है। और अगर कोई भी गलत हो, चाहे कोई आपका अपना भी किसी कुर्सी पर बैठे, बख्शी उसको भी नहीं। जब आप इस चीज पर होंगे, भगवान तो आपकी मदद करेगा, पर लोग भी आपको दुआएं देगी जिसके माध्यम से आप आगे निकलेंगे। शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने। और ये थे सीनियर महिला पत्रकार रश्मि शर्मा जी, और उनसे बात करने चाहिए हमने, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है एक पत्रकार के लिए, एक पत्रकारिता जो एक महिला है पत्रकार करती है, और सभी के लिए। और इनसे बात की और इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, और जो अच्छे हमने तीखे सवाल भी इनसे किए, और उन्होंने हर एक चीज का जवाब बहुत अच्छे से दिया कि किस तरह से मीडिया लाइन में आना चाहिए, किस तरह से मीडिया लाइन की जर्नी जो किस तरह से तय करनी चाहिए, हर चीज को समझने के लिए, सोसाइटी को किस तरह से चलना चाहिए एक मीडिया के लिए, वो भी बताने की कोशिश की। और जनता इस पे जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके सीएनएन न्यूज। मुझे बिल्कुल।